हेलो एवरीवन आई एम गरिमा फ्रॉम फ्लेवर्ड रेसिपी आज मैं बनाऊंगी दही वाले आलू इसके लिए मैंने बेबी पोटैटो को बॉईल करके छील लिया है ये लगभग ढाई सौ ग्राम है इसके बाद वन मीडियम साइज टमाटो लिया है फाइनली चॉप टू मीडियम साइज़ ऑनियन फाइनली चॉप थोड़ी सी धनिया दो तेज पत्ते और दो सूखी लाल मिर्च इसके बाद वन एंड हाफ कप फेट हुई दही लिया है थोड़ी सी रेड चिली पाउडर वन टेबल स्पून धनिया पाउडर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी हींग डालेंगे सबसे पहले हम कढ़ाई में टू टेबल स्पून सरसों का तेल गरम करेंगे जब तेल गरम हो जाए तो इसमें हम आलू डाल देंगे और इसको गोल्डन होने तक फ्राई करना है फ्लेम को मीडियम रखेंगे हाई फ्लेम नहीं करेंगे और इस तरह से इसको चलाते हुए गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक हम दही रेडी कर लेते हैं इसके लिए सूखी लाल मिर्च को गैस पर ऐसे भून लेंगे अब हम क्या करेंगे ये फेटी हुई दही है इसमें हम ये भुने हुई लाल मिर्च को ऐसे हाथ से मैश करके डाल देंगे दोनों लाल मिर्च को हाथ से मैश करके डालना है इसके बाद हम इसमें सूखे हुए मसाले ऐड करेंगे सबसे पहले इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे उसके बाद धनिया पाउडर ऐड कर देंगे पूरा धनिया पाउडर डाल देंगे रेड चिली पाउडर डाल देंगे थोड़ा और भी डाल सकते हैं और इसके बाद इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला देंगे दही हमारी रेडी हो गई है अब आलू को चेक करते हैं ये आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं अब इसको हम प्लेट में ऐसे निकाल लेते हैं अब हम कढ़ाई में वन टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे और इसमें मेथी के दाने डाल देंगे और तेज पत्ता ऐड कर देंगे जब मेथी चटकने लगे तब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे प्याज को इसमें डालकर मिला देना है फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसको थोड़ी देर ढक देंगे तीन चार मिनट बाद इसको खोल कर देखते हैं ये प्याज हमारे अच्छे से भुन गए हैं प्याज जब अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर टमाटर डालने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और इनको अच्छे से मिलाकर ढककर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे तीन चार मिनट तक तीन चार मिनट बाद इसको खोल कर देखते हैं अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे टमाटर जब हल्का सा गल जाए तभी इसमें नमक डालेंगे नमक डालने के बाद नमक को मिलाकर इसको फिर से थोड़ी देर के लिए पकने देंगे लो फ्लेम ही रखेंगे अभी भी अब हम फॉग की हेल्प से आलू में इसे छेद कर देंगे इससे आलू और मसाले अच्छे से मिक्स होंगे तीन चार मिनट बाद इसको खोल कर देखते हैं ये तेल इसमें छोड़ने लगा है मतलब ये अच्छे से पक गए हैं अब हम इसमें ऐड करेंगे वन टेबल स्पून जैगरी पाउडर यानी गुड़ गुड़ से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है गुड़ ऐड करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे अब जब मसाले थोड़े ठंडे हो जाए तब हम इसमें फेटी हुई दही ऐड करेंगे फ्लेम ऑफ़ करने के पाँच मिनट बाद ही इस दही को ऐड करेंगे नहीं तो गरम मसालों में ऐड करेंगे तो दही फट जाएगी और ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिला लेंगे मिलाने के बाद फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और दो मिनट तक चलाते रहेंगे दो ढाई मिनट चलाने के बाद हम हम इसमें एक कटोरी पानी ऐड करेंगे पानी इसमें डालकर इसको लो फ्लेम पर ढक कर पकने देंगे दो तीन मिनट में इसको खोल कर चलाते रहना है छः सात मिनट में ये ग्रेवी हमारी अच्छे से रेडी हो जाएगी ग्रेवी रेडी हो जाएगी तब हम इसमें आलू को ऐड करेंगे सारे आलू को धीरे धीरे इसमें ऐड करके अच्छे से मिला देना है अच्छे से आलू को इसमें मिलाने के बाद हम फ्लेम को लो ही रखेंगे और ढककर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ज़रूरत हो तो थोड़ी सी पानी और डाल देंगे क्योंकि थोड़ी देर आलू को तो पकना है पाँच छः मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर पकने से आलू मसाले में अच्छे से मिल जाएंगे ये सब्ज़ी अभी थोड़ी सूखी सूखी लग रही है इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं अब हम इसको एक बार खोल कर देखेंगे देखिए अब इसमें साइड से तेल छोड़ने लगा है मतलब ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है इसमें से हम तेज पत्ते को ऐसे निकाल लेते हैं निकालने के बाद इसके ऊपर हरी धनिया डाल देंगे हरी धनिया इस तरह से डालने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी इसको प्लेट में निकाल कर हम थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे इसको मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल कर धनिया से थोड़ा सा गार्निश कर लिया है ये सब्जी हमारी सर्व करने के लिए रेडी है ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने थॉट कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें इफ़ यू लाइक द फ्लेवर ऑफ माई रेसिपीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू